So after second industrial revolution, internal combustion engine, steam engine, coal extraction, coal burning, all this started. So since we have dedicated classes for current affairs, what we can do is थोड़ा बहुत हम करंट अफेयर्स जो है अपनी क्लासेस में भी इंडक्ट कर सकते हैं. जैसे इसमें क्लियरली लिखा है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सो वी कैन डिस्कस व्हाट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड ऑल दैट. सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. सो वी ऑल नो लास्ट 2 years, 3 years, 4 years, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, दिस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हैव अ बिग चंक इन आवर प्रीलिम्स पेपर्स ऑल्सो. इन 2023, 2022 देयर इज अ 19, 20, 15 क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है प्रीलिम्स के लिए. 100 में से 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से. लेकिन द थिंग टू रिमेंबर इज इन जस्ट इन 15 क्वेश्चंस, इन 19 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस और 10 12 क्वेश्चंस आर दैट कम्स और कंप्लीटली फोकस ऑन करंट अफेयर्स. ये कौन सा जानवर था, ये कहाँ पे मिलता है, वो वाली चीजें. तो उसको जितने एक्सटेंट तक हो सकेगा हम क्लास में कवर करेंगे. और फिर एक आई विल प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क और बेसिक की किस तरह हम हर सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. क्योंकि करंट अफेयर्स पूरा क्लास में करना पॉसिबल नहीं. हम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दे सकते हैं कि हाउ टू डू दैट एंड वी हैव दिस सेपरेट डेडिकेटेड क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स, सो दैट विल वर्क. 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये पॉलिटी के बराबर ही है. एंड फॉर मेंस जीएस पेपर 3 में 4 to 5 क्वेश्चन दिस इज फिक्स्ड पेपर 3 में. और पेपर 1 में वी कैन से 1 or 2 क्वेश्चन. जैसे 3 to 4 क्वेश्चन अगर जीओ के आएंगे तो उसमें 1 to 2 क्वेश्चन जो है प्योर इको इन्फ्लुएंस होगा. ये जीएस पेपर 1 में वो दिन कि ये पार्ट टाइम चीज थी. अब ये भी एक प्रॉपर फिफ्थ फंडामेंटल है पॉलिटी इकोनॉमी देन हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा. तो इसको कोई इग्नोर मत करना कि बाद में कभी कर लेंगे. प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के बाद मेंस भी देना होता है. क्लियर होगा? हाँ. तो व्हाई इट इज नीडेड फॉर सिविल सर्विसेज. आज तो ओरिएंटेशन क्लास है तो आज हम कुछ विल नॉट फोकस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग्स. सब इन जनरल डिस्कशन करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं क्लासेस में. एनीथिंग कि हम सिविल सर्विसेज का पेपर देने आए, वी वॉन्ट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. सो वाई आर वी स्टडिंग इकोलॉजी इन एनवायरमेंट. हम पॉलिटी पढ़ते हैं समझ आ रहा है, हम इकोनॉमिक्स की चीजें पढ़ते हैं समझ आ रहा है, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमको एक आइडिया होना चाहिए हमारा कॉलोनियल पास कैसा था. हम एनवायरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? फाइन. सो आर पॉलिसी शुड बी एनवायरमेंटल सेंसिटिव, राइट? दिस इज फर्स्ट थिंग. एनी एग्जाम्पल हाउ आर करेंट पॉलिसीज इन लास्ट 10 years, 20 years हैव इवॉल्व टू बी अ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरमेंट? जी, E20 इनिशिएटिव, वंडरफुल. एनी स्पेसिफिक पॉलिसीज, एनी स्पेसिफिक लॉज वी रिमेंबर? वंडरफुल, बायोफ्यूल अलायंस. सो दिस इज करंट ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज इंडिया लेड. एनीथिंग एल्स? बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दीज आर सर ग्लोबल अलायंस. That is India led. That is basically focusing on environment friendly solutions, right? Anything else? Semiconductor policy. How it is connected to environment? We need to focus on renewables. Well, that's a very far fetched thing. We focusing on semiconductor. It's a little bit far fetched thing. Yes, what you saying? Specifically, anything about renewable energy? We have specific NDCs we have to follow, nationally determined contribution. We will discuss all these things in detail. So, wonderful. There is a Forest Conservation Amendment Act. Things are being a little more tough to clear out the forest and to have forest permission. Very, very, very good. That is an environmental impact assessment related to some projects.
impact assessment, what you are saying is post disaster impact assessment. So that is different. R1 is related to the industry. Say if some industry want to do a mining in Chhattisgarh, so before that it should get a prior consent from environmental ministry related to the impact assessment. That's environmental impact. Hi sir, see your chats too please in public chat box. Sorry? See your chats too. We are making points here. Okay. I'm sorry, really sorry. This is my first class. I'll adapt this thing also now. अच्छा आकाश इज सेइंग आई शुड टीच इन बायलिंगुअल मेथड. ठीक है, मैं हिंदी का भी यूज करने की कोशिश करूंगा इसमें. एनवायरमेंटल राम इज सेइंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट इन हिमालयस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. सी द थिंग इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट राम, इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन इट्स अ प्रायर अप्रूवल एनी प्रोजेक्ट हैव टू टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिगार्डिंग व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑन द स्पेसिफिक उस लोकेशन पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो जो आप लोग कह रहे हैं कि हिमालयन इकोसिस्टम पे या सिक्किम में जो फ्लड आया वो किसी डिजास्टर के बाद प्राय पोस्ट डिजास्टर एक उसका इवैल्यूएशन है कि उसके क्या क्या उसका डिजास्टर के क्या नुकसान हुए हैं. तो ये दोनों काफी डिफरेंट चीजें हैं. चार धाम यात्रा एंड इट्स कॉजेज. फाइन वी कैन से पॉलिसीज की हम बात कर रहे थे तो हम इसमें कह सकते हैं कि डिफरेंशियल पॉलिसी अप्रूवल in eco-sensitive zones. If we have deep understanding of ecology and environment, then we know that humko samajh aayega ki we should have a differential treatment. The kind of stringent laws we should provide in, let's say, northern plains and kind of law that we should provide in Himalayan ecosystem. Because Himalayan ecosystem thoda sa sensitive ilaka hai. To explain kar sakta hai kyun? Lens size of one. हाँ बोलिए बोलिए कोई बात नहीं. ह्यूमन हीट ओके बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमालयन रीजन. द मोर स्पेसिफिक एग्जांपल वुड बी शिमला. द पॉपुलेशन डेंसिटी ओवर देयर इज tourism locations that are very far-fetched tourism locations. Yeah, what were you saying? I was saying how Himalayan system are eco-sensitive zones. Abhi bhi bani raha hai young for months. कि यहां की जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जैसे दक्कन की है वो फिट है, वो स्टेबल हो चुका है. अब उसमें ठीक है. अभिषेक कश्यप ने एक बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड यूज किया है उसमें, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालयाज आर लिमिटेड. इसको एक स्पेसिफिक कीवर्ड में अगर हमें प्रेजेंट करना हो, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम हाईवेज बना सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, वी कैन डू माइनिंग एक्टिविटीज इन नॉर्दर्न प्लेन्स, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, देयर इज सम थ्रेशोल्ड लिमिट कि हम उससे आगे कैरिंग कैपेसिटी नहीं है हिमालयन रीजन की. राइट, ऑलरेडी सैचुरेटेड एंड दे आर अबाउट टू बस्ट. या दैट्स अ थिंग. We are seeing the kind of thing that happening in Shimla, that same kind of thing happening in Ladakh. You all know now what's happening in Shimla. Construction is taking place over there. Carrying capacity is always saturated also. Syntaxial bending. What is syntaxial bending? From Jammu Kashmir to Sikkim. This curve. ये हिमालय है.
that like I think industrial building is like which is building in Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. And that's that is syntaxial bending, mathematical एक term है syntaxial, इसका मतलब होता है कि जो एक बहुत sharp bend यहाँ पे आ रहा था ब्रह्मपुत्र river का, तो उसके लिए हमने use किया था syntaxial, हिमालय से कोई relation नहीं है। एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक gradient था और इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल में पहाड़ थे, तो बीच में एक बहुत sharp सी valley है, तो उस वजह से ये Tibet plateau है पूरा। So the thing that happening over there was the Brahmaputra river was taking a very steep turn over here. We know any other river that flowing through Tibet and does not follow this syntaxial bending? Anyone? We have done geography. Satluj. Satluj. Indus. No, Indus. I'm saying any river that follow this kind of thing, that directly goes through the Southeast Asia and then to Andaman Sea. No tributaries, direct on the river. I think Mekong. हाँ, wonderful. Mekong and. अरे बोल लो. Okay, what we can do is we can do some bit of mapping also over there. I think we need some mapping. हमने देखा है only question आ रहे. So there are 4-5 more rivers that are originated from Tibetan plateau and this does not follow this syntaxial bend. That's a very unique thing that's only happening in Brahmaputra river. So yahan pe ek hai Mekong, ek hai Chao Phraya, and there is Shohin, or two more rivers over here. That these are also very big rivers that follow, this does not follow syntaxial bending, and those all follow the same path through Southeast Asia and then to Andaman. रीजन दैट इट इज वेरी सेंसिटिव. The amplitude and the effect of climate change that happening over Himalayas is way more than it happening over Northern Plain or Coastal Plain or some other region. We can say that. We know, do you know any term like anomaly, climate anomalies? There is a climate anomaly is Arctic. We say Arctic anomaly. And there's another anomaly that we say in Karakoram. We know what is Karakoram mountain in? It is in this part of Himalaya. It is in Trans Himalaya. सब बोलो यार, ज्योग्राफी पढ़ लिया है, रिवाइज नहीं किया? कब पढ़ा था ज्योग्राफी? भूल गए? 2 महीने हो गए हैं, अब तो साफ हो गया 2 महीने में. So basically, we all know, Abhinav is also saying, there is an Eurasian plate and there is an Indian-Australian plate. Indian-Australian plate collided with Eurasian plate. Due to that collision, we have a Yangpul mountain. So before this, and this was a continental boundary, plate boundary, that we have a Yangpul mountain. It's not volcanically active. I hope you all know that. So before that, there was an oceanic plate, Indian Ocean plate, and then Eurasian plate. Before continental plate engaged with this Eurasian plate, oceanic जो Indian Ocean plate है, that उसने इसके साथ engage किया Eurasian plate को जिससे, तो उस वजह से oceanic continental convergence took place, उससे बना था Trans Himalayas. फिर उसके बाद Himalayan बना, और फिर old Himalayas, middle Himalayas, new Himalayas, I hope you all know that. So Karakoram is a part of Trans Himalaya, that's what you were saying. ठीक है. सो देयर इज अ एनोमली कॉल्ड काराकोरम एनोमली. द एम्पलीट्यूड ऑफ इफेक्ट दैट इज टेकिंग प्लेस इन काराकोरम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज वे लेस देन इट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड टिल टुडे नो वन हैज कम टू फेयर कंक्लूजन व्हाई दिस इज हैपनिंग.
And apart from Karakoram, all the Himalayas is facing way more climate change abnormality that we are observing in plain area or any other area. Karakoram is just an anomaly ki isme jo hai climate change ka effect thoda sa kam aa raha hai normal temperatures normal baaki ilakon se. Last I read there was around 0.8 degree increase in temperature increase from 1800 or something like that. Globally kitna ho chuka hai 1800 se kitna zyada badh chuka hai abhi average 1.1415 ho chuka. और पेरिस एग्रीमेंट में कितना बोला गया है कहां तक हमें हां 2 इज थ्रेशोल्ड वी हैव डज नॉट हैव टू गो एंड 1.5 इज द आइडियल लिमिट दैट वी शुड अचीव फॉर दैट वी शुड ट्राई फॉर बाकी टीचर्स भी ऐसी करती हैं दोनों एंड ओके सो बस एक काराकोरम स्पेसिफिक ट्रांस हिमालयस का हिमालयन रेंज है जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से कम फर्क पड़ रहा है बाकी पूरा हिमालयन सिस्टम जो है ऑलमोस्ट 1.2 क्रॉस कर चुका है आई मीन एवरेज टेम्परेचर ऑल ओवर द एनुअल टेम्परेचर जो है उसका 1.2 ज्यादा हो चुका है 1800 से सो दिस इज वे मोर देन द ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इट्स एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया द क्लाइमेट चेंज है इम्पैक्ट इज ऑल्सो वे मोर देन other places of the country theek hai and something else basic back to this reason why we need ecology and environment for civil services koi specific policies yaad hai current affairs se kisi ko 20 years 10 years pehle kuch nahi hota tha jo abhi specifically current humne ecological sensitivity ke liye change kiya ho anything कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज कोई स्पेसिफिक कोस्टल रेगुलेशन जोन अमेंड किए जा रहे हैं देयर बीन कंटीन्यूअस अमेंडमेंट टू कोस्टल रेगुलेशन जोन इको सेंसिटिव जोन बीन इंट्रोड्यूस्ड यू ऑल आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स ना सब ऐसे ब्लैंक देख रहे हैं पता नहीं क्या बात हो रही है कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन नहीं नहीं It regulates the construction. Use the word. It regulates the construction in the coastal areas. There are graded approaches. Let's say, ekdam close to coastal areas, 100 meter away from coastal areas, 1000 meter away from coastal areas. So, there's graded application of law. Right. That's a coastal regulation zone. That is a thing that is very recently introduced in 2-3 years or something like that. So, this is what we can say. Our policies that shows. कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है दैट बीइंग सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल सेंसिटिविटीज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट फाइन बायोस्फीयर रिजर्व और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया है 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट Not from 1800. हाँ हाँ fine. Biodiversity hotspot. India has 4 biodiversity hotspots and it is part of United Nations Man and Biosphere Reserve Program. So that is मतलब not something specifically Government of India is engaging in. It's a international thing. India Government of India only proposes some sites for there are some stringent criteria that some sites. हाँ we nominate some sites we provide some sites. That we think also should be come under biodiversity hotspot like, area. Ramsar site is a different thing. That comes under Ramsar Convention. To some extent, we can say Swachh Bharat Abhiyan has some angle related to ecological sensitivity, waste management, and all that. Yeah. That is a specific tribunal for. ग्रीन ट्रिब्यूनल या दैट्स अ गुड थिंग हां यस ही सेइंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देयर हैज बीन अमेंडमेंट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हैव बीन वेरी वेरी या वाइल्ड लाइफ रिसेंटली इट हैज बीन अमेंडेड 2022 वन एक्ट आल्सो बायोडायवर्सिटी एक्ट आल्सो बीन अमेंडमेंट एंड यस ही सेइंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट Yes, please can you explain more about plastic waste management, e-waste management, any one of you also? Yeah, production of plastic should be reduced and eco-friendly
This is what I am looking for. 120. Earlier it was 75, now 150 micron. It is the minimum thickness of the plastic that should be there for single use plastic only. And there is a new term that is in extended producer responsibility. We'll discuss all these things in class. वैसे तो ये सारा ही करंट अफेयर्स का आई एम जनरली पुटिंग अ ग्रेट ऑफ ऐसे बैकग्राउंड की तरह कि व्हाई वी आर स्टडीिंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट फॉर सिविल सर्विस. यस एनीवन? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. यस दैट्स गुड. कोस्टल एक्वाकल्चर दिस थिंग, कैन एनीवन सी दिस चेंजेस? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी इज लाइक द सीएसआर. No, not exactly. CSR is 2% of profit as any company have to dedicate it for. I'm so sure. It basically allows the entrepreneurs for spending specific amount for the environment purpose. CSR is comprehensive, it is specific. Yeah, 2% Current affairs classes kya hoti hai? It's just a political. बोलो यार, तो मैं पढ़ा दूंगा. नहीं है तो द वे वी आर इंटरेक्टिंग, मेरे को लग रहा है पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना, फ्यू से नहीं चलेगा फिर. ठीक है, तो वी हैव नॉट रेड दिस थिंग ऑल्सो. तो दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो नाम से समझ आ रहा है कि प्रोड्यूसर जो है, जैसे लेट्स से दिस इज एप्पल. So this is so aluminium or metal based, something that is plastic based. Let's say a big company is making some 100 tons of plastic every day. So there's a responsibility ki 5% of the annual production that what they are doing, so unko khud wapis market se lena padega, the reused and the rejected plastic one, jo use ho chuke hain. And if they have to recycle it, do something, or they refurbish that and sell this back to the producers. So this way they have an extended responsibility to collect back some proportion of their production of whole year, take it back to the production line, refurbish, then recycle, then whatever they can, and reintroduce that in the market. So in that way, producers are also being engaged in that complete RRR cycle that we are seeing. That's a very good, that's a recent initiative, what we can say. This is basically done by Ministry of this is done by commerce and industry. So ये beautiful example है कि commerce and industry इस तरह के guidelines ला रही है कि जो producer है, जो basically manufacturer है, उसकी extended responsibility है कि वो भी ecology की तरफ अपना एक उसका भी एक दायित्व रहेगा. Fine. So these are the kind of thing I'm saying कि recent 10 years में ऐसे policy shifts आए कि जो new policies हैं that are being sensitive towards the environment and sustainable development. ग्रीन क्लाइमेट फंड वो यूरोपियन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस. तो उस पे मतलब इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम कैसे देख रहे हैं, कैसे हम कंपनीज को कंट्रोल करते हैं कि क्लाइमेट कार्बन एमिशन कितना कम रखें. Green Climate Fund is basically countries have to contribute $100 billion per year. Carbon tax. Carbon tax. Carbon border adjustment. Carbon border adjustment. अरे लड़ो मत यार, ठीक है, मैं समझ गया. तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स में क्या होता है यार? ऐसे तो फिर करंट अफेयर्स की क्लास बनती जाएगी. नहीं, बाद में भी फिर ऐसे ही रहेगा ना, करंट अफेयर्स बोल के ऐसे देख रहे हो, मेरे को लगा सर मुझे ही कराना है. हर सैटरडे लास्ट सिक्स ईयर सिक्स मंथ से चल रहा है. इकोनॉमिक्स भी नहीं होता.
ठीक है, करंट अफेयर्स विल कंप्लीट, विल डू करंट अफेयर्स पार्ट आल्सो. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लास में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे करंट अफेयर्स. आकाश इज सेइंग 2 आवर्स एवरी वीकेंड, इतना ही होता है. Abhinav Kashyap is saying common but differentiated responsibility. Now that is also a good term. CBDR. Anyone? नाम से क्या समझ आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्रिलियंट. सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस थिंग. लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज, इकोनॉमिक्स हो गया ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन and second one around 1890s, 1900. So after second industrial revolution, internal combustion engine, steam engine, coal extraction, coal burning, all this started. So carbon emissions shooted up, right? We all know that Keeling curves, ek this wala curve, Keeling curve, sab discuss karenge क्लास में डिस्कस करेंगे. सो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है कार्बन एमिशन जो है सडनली स्पाइक अप करना शुरू किया. तो इससे हमें तो फायदा हुआ नहीं. दिस ऑल ओनली बेनिफिटेड द वेस्टर्न एंड डेवलपिंग कंट्रीज ओवर देयर ओवर दैट टाइम, यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप स्पेसिफिकली. सो उसके बाद कमिंग टुडे, सो वी हैव क्लाइमेट चेंज इशू, वी हैव डिजास्टर्स, वी हैव दिस, वी हैव दैट. सो बेसिकली वी आर फेसिंग द ब्रंट, दोज आर नॉट फेसिंग द ब्रंट बिकॉज दे आर इन टेम्परेट रीजंस. तो ज्योग्राफी हो गया है. Why tropical regions are more prone to climate change? कुछ भी बताओ जो मन में है. Yeah, to an extent we have greater insulation, radiation. It's favorable conditions, like in temperate region there is no flora and fauna there. Nahi. Second sir. Itna to nahi temperate region hai, jitna tropical region hai. Temperate forest ko kya bolte hain? Temperate region sir main bolte hain wo Russia type, Russia plain hai. Wo to fir ek Arctic ke upar hai. Main temperate wala bol raha hu, 45 se upar wale. उनमें हमसे ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं बट बराबर ही है. वो तो फिर बिल्कुल टुंड्रा और एकदम कोल्ड ही रहता है वहां पे. नहीं बैठे. यस एनीवन? ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में क्लाइमेट चेंज में. सो द थिंग इज ट्रॉपिकल रीजंस आर मोर प्रोन टू क्लाइमेट चेंज एंड मोर प्रोन टू डिजास्टर्स दैट आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज देन टेंपरेट रीजंस. सो एमिशंस, दोज आर द गाइस दैट डिड द मिशन, दोज आर द गाइस दैट आर डेवलप्ड. But the brunt of that all are facing by tropical people. So the thing is that we introduced this in, I hope you all know that there was a Kyoto Protocol. Then we have a Paris Agreement. Before this, we have UNFCCC and other two conventions also that was introduced. We'll discuss this all in detail in the class. Montreal is something else. These are focused on this climate change and global warming and rising temperature. So in Kyoto Protocol, this thing was introduced. This was accepted as a key cornerstone that will be guiding how the policy should be formed differentiatedly for developed country and for us, developing world or underdeveloped country. So CBDR is, जैसे उनके पास ज़्यादा capacity है, they can shift their economies to green economy, they can shift their production. हमारे पास वो capacity नहीं है कि हम रातों-रात coal based, gas based या फिर solar based, electric based हैं, जो अभी push किया जा रहा है UNFCCC की convention से. हमने बोला कि हम कोल एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम कोल रिड्यूस कर पाएंगे.
वो गोल एलिमिनेट कर सकते हैं. सो उनकी ज्यादा कैपेसिटी है, दे हैव मोर कैपेसिटी टू चेंज टू शिफ्ट देयर इन दिस इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू शिफ्ट देयर ऑल देयर प्रोडक्शन लाइंस. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज दे हैव मोर कैपेसिटी, दे कैन प्रोवाइड कैपिटल, दे कैन प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी एंड वी आर द वन दैट शुड गेट द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दैट इज नीडेड टू ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमी. Developing and underdeveloped. Developing and developed countries. The impression now, हाँ जैसे आप कह रहे हैं कि सेपरेटेड टारगेट्स होते हैं, जैसे आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी बोला था तो उसमें भी सेपरेट टारगेट्स ही होते हैं. एनडीसी इज समथिंग दैट इज कंट्री देमसेल्फ हैव टू प्रोजेक्ट. आई एम इंडिया, आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि मैं कितना क्लाइमेट जो है अपना कंटेन कर सकता हूँ, मैं मिशन कितना कंट्रोल कर सकता हूँ. एंड इज समथिंग दैट इज वेरी डीलोकलाइज, मतलब डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ. हाँ डिसेंट्रलाइज, इसको कोई जो है यूएनएफसीसी का सेक्रेटेरिएट नहीं बताएगा, उसको भी कन्वेंशन के अंदर जो सेक्रेटेरिएट है वो नहीं बताएगा कि इंडिया हैव टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन टू. हाँ एनडीसी ने खुद से टारगेट सेट होता है. तो सीबीडीआर वाला जो प्रोसेस है वो इन जनरल कोई भी क्लाइमेट नेगोशिएशन होगा तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद बोला गया कि ये एक फाउंडिंग स्टोन होगा. मतलब अब जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला गया, जस्ट इमेजिन उसमें बोला गया कि एक रिलेटेड सब्सटेंस है तो 2020 तक यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज को कंप्लीटली एलिमिनेट कर लेना है. तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ एशिया एंड ऑल दैट, हमको 2040-2045 की डेडलाइन मिली है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट. ये अभी हाँ मतलब 10 years to 3 years का होता है, फिर उसमें हर 5 साल में रिव्यू होता है. हाँ सीबीडीआर कैपेसिटी, तो ये एक प्रिंसिपल है सीबीडीआर का, ये क्योटो प्रोटोकॉल में. क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी के, यूएनएफसीसी कन्वेंशन था उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब डिस्कस हो क्लास में, डरो मत ऐसे भूत की तरह देख रहे हो तुम लोग. तो क्योटो प्रोटोकॉल उसके अंदर आया था. जो SDG MDG बोला गया वो यूनाइटेड नेशन का एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो कंप्लीट वर्ल्ड के लिए था कि एक सस्टेनेबल और मिलेनियम डेवलपमेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. पेरिस एग्रीमेंट अलग है, वो अलग है. पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी, ये बेसिकली फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज. SDG इज ग्रेटर थिंग, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, दैट्स अ वेरी लार्जर थिंग. UNFCCC is specifically focusing on climate change. Those two things are very different. We can say there is a convergence. SDG has a focus on climate sensitivity and the, all this climate change, but that is a larger thing than this Paris Agreement. Yeah, so this is CBDR. So initially, kahan se start kiya tha humne? Civil services mein kyun chahiye ecology? Anything else? Thoda sa aur clarity mil jaye, hum kyun padhna cha rahe hain isko? Kyunki polity economy ke liye koi humko motivation nahi chahiye, kyun padh rahe hain? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नो वन इज सेइंग अबाउट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ? जा रहे जाने दो. हाँ व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट देम? Cultural heritage. Okay. So the basic thing is we need wildlife because anything, matlab the whole complete ecology, complete ecosystem is not in isolation. We are not living here in isolation. We need them. They need us. The complete biosphere that we are living. There is a complete cycle. There are saprotrophs. There are autotrophs. There are decaying animals. There are all kinds of things that we are need. Then that we should need. There are copses. There are soil regeneration. We cannot do soil regeneration. We cannot process all nitrogen cycle and all things. In ocean ecosystem, we cannot process ocean ecosystem. We cannot have cycles. Do we know cycles of ocean? Any cycle of ocean? जैसे एक Atlantic Ocean से Indian Ocean तक एक cycle होती है complete, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा disrupt हो रही है climate change की वजह से. नहीं, Atlantic से लेके यहाँ पे Atlantic है, यहाँ पे Indian Ocean. ये पूरा अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, दैट्स नॉट मी. एवरीथिंग इज गिवन बाय नेचर एंड इवन वी हैव टू बैलेंस द इकोसिस्टम. या दैट्स राइट.
for balanced food chain. Good. Food chain intact. We need field assessment. Abhinav, can you explain what is field assessment? Yes, anyone? Atlantic to Indian Ocean? Atlantic Meridian overturning circulation? ग्रेट गार्बेज पैच तो बहुत सारा कूड़ा जो है एक जगह जमा, हाँ वो अलग चीज है, वो तो एक कन्वर्जिंग वाटर करंट्स थे बहुत जगह से, वो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, उसके एक कन्वर्जिंग गाइस बोलते हैं उनको, हाँ तो वो अलग चीज है, वो तो एक आयरन बन गया कूड़े का, वो डिफरेंट थिंग। आई एम सेइंग देयर इज अ वाटर सर्कुलेशन इन ऑल फ्रॉम अटलांटिक टू इंडियन ओशन। सो वी हैव सिटिंग अराउंड fine नहीं नहीं एलिनो से डिफरेंट है, नहीं नहीं that is in news in last 2 years due to climate change, increasing water temperature, water surface temperature, destroy नहीं हो रहा है, complete एक cycle होती है ocean cycle, वो फ्रेगमेंट होना शुरू हो गए क्योंकि जो ओशन सरफेस टेम्परेचर दैट इज इंक्रीजिंग, सी सरफेस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सो व्हाट इज द साइकिल? इंडियन ओशन डाइपोल अल नीनो ला नीना दैट इज हैपनिंग इन दिस पार्ट, पैसिफिक ओशन एंड ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। आई एम सेइंग अबाउट दिस अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ये कंप्लीट, दिस इज वन बैच और टू बैच, सो इन बोथ द बैच ज्योग्राफी इज कंप्लीट। ओके, नहीं वो आपका ज्योग्राफी ठीक है, आई शुड इंक्रीज ज्योग्राफी, आई शुड इंक्लूड ज्योग्राफी आल्सो हियर, करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी। एक ऐसे ये ऑलमोस्ट 80,000 1 lakh 1 lakh 1,000 ना उसी को साइकिल बोलते हैं, कंप्लीट एक कंप्लीट हो जाए जिसमें आकाश इज सेइंग ज्योग्राफी कंप्लीटेड इन नोट्स नॉट इन ब्रेन। So, ये एक साइकिल है, इसमें जो है सरफेस पे जो है वार्म वाटर मूव करता है और नीचे जो है कोल्ड वाटर मूव करता है। हमने पढ़ा होगा कि ओशन सरफेस में द बेसिक थिंग दैट इज गाइडिंग दिस ओशन करंट्स आर ओशन गाइड, ओशन करंट्स आर गाइडेड बाय नहीं विंड नहीं सैलिनिटी एंड सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। सो दीज आर टू बेसिक फैक्टर्स दैट आर गाइडिंग द ओशन टेम्परेचर, ओशन करंट, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। So these two directly influence density. जितनी ज्यादा temperature होगा उतनी कम density होगी, उतनी ज्यादा density होगी। Low density वो expand हो जाएगा ना, और जितनी ज्यादा salinity होगी उसमें मतलब जो solute content उतना बढ़ जाएगा, तो उसकी density उतनी density increase हो जाएगी, right? So यहाँ पे जो है salinity और temperature ज्यादा होता है, यहाँ पे जो है warm temperatures होता है इंडियन ओशन में, वहाँ पे आर्टिक का इलाका वहाँ पे ठंडा होता है। नहीं नहीं एल नीनो ला नीना एक अब एल नीनो एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्लास, दिस क्लास इज नॉट फॉर ज्योग्राफी। सो बाद क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे एल नीनो क्या होता है। तो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, देखिए 1 लाख 2 लाख किलोमीटर की साइकिल है, और इसका टाइम पीरियड 1000 years 2000 3000 years होता है। सो दिस इज कंप्लीट साइकिल दैट इज बैलेंसिंग ऑल द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज फॉस्फरस सल्फर द सेडिमेंटरी पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द ओशन, द ऑक्सीजन कंटेंट इन द ओशन एंड द टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी। दिस इज कॉल्ड थर्मो हलाइन साइकिल, थर्मो टेम्परेचर, हलाइन इज सैलिनिटी ऑफ ना लाइक हेलोक्लाइन। सो दिस इज अ थर्मो हलाइन साइकिल। So due to climate change, what's happening is the temperature increase in the sea surface of Indian Ocean is very, very high. And here the temperature depression is also very high. I mean, if here the sea surface temperature should be 5 degrees or 6 degrees, it is almost hitting 2 degrees, 1 degree.
and here the sea surface temperature is anything over 30-35. So that's why there is a fragmentation in here and here. The cold water is getting collected over here and the warm water is collecting over here. So this is a direct impact of climate change over the global water ecosystem. That's why I'm saying we need complete balanced ecosystem for our survival only. अब इससे क्या हो सकता है? अभी पढ़ाई नहीं तो फिर छोड़ो. तो दिस इज डायरेक्ट एग्जांपल. ठीक, राइट राइट राइट. इससे जो है पूरा मरीन इंडस्ट्री यहाँ का, हमको पता है कि यूएस के पास एक बहुत बड़ा ये एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है नियर विच सी, फॉकलैंड आइलैंड में और ग्रैंड बैंक, लैब्राडोर सी, ये यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री इनकी, तो वो पूरी खराब हो रही है. डॉजर भूल गया वो कहाँ पे था. नहीं, हवाई में नहीं होता. नहीं, ये तो नॉर्थ सी में हुआ. नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. तो ये कंप्लीट मरीन इकोसिस्टम यहाँ पे खराब हो चुका है, तो फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है. और छोटे लेवल पे नहीं होता, बहुत बड़े लेवल पे ये होता है मरीन इकोसिस्टम. 10-12% जीडीपी कंट्रीब्यूशन उनका. तो दैट इज अ क्लियर एग्जांपल कि इकोलॉजी की वजह से वहाँ का एक तो सस्टेनेबल क्लाइमेट खराब हो रहा है, और उस वजह से ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. तो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल कि इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे. एंड व्हाई वी नीड वाइल्ड लाइफ और कुछ. These are little bit parts of things. To know the climatic changes. Wonderful. Do you know that? Which all birds? No. He's talking about monsoon. There is a specific bird that migrate to India just before the monsoon. नहीं नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ, दिस इज, यू वर सेइंग ना आई शुड गिव सम होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क. देयर स्पेसिफिक बर्ड दैट माइग्रेट्स टू इंडिया जस्ट बिफोर एंड आफ्टर मॉनसून, इट्स आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ गुड और हाउ टाइमली द मॉनसून विल बी दिस ईयर. नो, यस, इट्स नॉट फ्लेमिंगो. Okay, Akash. Akash is saying I should speak slowly. Yeah. So, migration, animal migration is also very deeply connected to the climatic change, climatic patterns of India. Any other bird we all know? Any bird or anything that we know? Olive Ridley turtles, wonderful. Sambal Lake? पुष्कर लेक, चिलिका उड़ीसा में. साइबेरियन के फ्लेमिंगो दो ही तो हैं, यही आते हैं. ढूंढ के ले आना इसको भी. तो फिर जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए हमने एक डेडिकेटेड प्रोटेक्शन एरियाज भी बनवा लिए हैं. डू वी नो व्हाट आर डेडिकेटेड प्रोटेक्शन एरियाज, क्या क्या होते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, दीज थ्री. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. एनीथिंग एल्स? बहुत सारे होते हैं. दैट इज सेपरेट, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं. एलिफेंट रिजर्व अलग से होते हैं. एलिफेंट कॉरिडोर्स किसी, एलिफेंट नहीं, जनरल ग्रीन कॉरिडोर्स होते हैं वो, जैसे राजा जी और जिम कॉर्बेट के बीच में भी है, छत्तीसगढ़ में भी बना रखा है. वो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, वो बस एक डेडिकेटेड बना रखा है कि हाथी वहां से चले, वहां पे कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन होता है सब. एनीथिंग एल्स? ये सब भी करंट अफेयर्स में होता है. How we'll integrate national parks?
मतलब देयर आर सम न्यूज, जैसे डू वी नो देयर इज अ नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश, देयर इज अ वेरी बिग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आल्सो, सो दे वी हैव फाउंड यूरेनियम ओवर देयर. So the state government is pushing for approval to mine for uranium in that national park. So that national park is very important then. Okay, I'll try how much of current affair we can do in class only. So national park, wildlife sanctuary, and there are plenty of other things also. Conservation reserve, community reserves, tiger reserve, elephant reserve, eco-sensitive zones. तो दीज आर डेडिकेटेड एरियाज दैट इज बाई ये इन मार्क कर रखें कि इसमें बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब माइनिंग एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड होंगी, दैट आर स्पेसिफिकली बीन इन मार्क फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. सो इनकी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें बिल्कुल कम्प्लीट नो ह्यूमन इंटरफेरेंस होनी चाहिए. इवन द ट्राइबल पीपल दैट लिविंग ओवर देयर, द ड्वेलर्स दैट आर बीइंग फॉर देयर जनरेशन, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है. तो नेशनल पार्क इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आते हैं, ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज और स्टैट्यूटरी पावर्स उसके अंदर आते हैं. व्हिच एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. दीज ऑल कम अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. जितनी श्रद्धा हो, मतलब देयर बीन इंस्टेंसेस की क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन करंट अफेयर्स दैट वाज इन न्यूज फॉर लेट्स से 1.5 इयर्स 2 इयर्स बैक. सो आई विल से टू बी सेफ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शुड बी देयर. इकोलॉजी एनवायरनमेंट लाइक ऑल द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज ऑन करंट अफेयर्स ओनली. सम नेशनल पार्क्स इज बीन यूज्ड, सम न्यू कन्वेंशन इज देयर, सम न्यू प्रोटोकॉल्स, some it's saying international organization that been focusing on for this environment thing, biofuel alliance, this align, that align, that is current affairs for ecology and environment. We should do at least 10 years to be safe, right? So these are these all are under Wildlife Protection Act of 1972. If any state have in mark such areas to be let's say come under national park under Wildlife Protection Act, there will be the most utmost conditions to be work over there, to stay over there, to have tourism activities over there, and this is the scale of reducing its stringency. And biosphere reserve, ye ek United Nations ka specific program tha, man and biosphere reserve. So uske andar biosphere reserve, under that biosphere reserve come. Biosphere is a very big thing. Haan, biosphere reserve is a very big thing. It can be at 2,000, 3,000, 5,000 acres ke bhi hote hain. Uske andar national park, wildlife sanctuary, Ramsar site, sab kuch hota hai. Khair bhi hota hai unke andar. Biosphere reserve is a very big thing. Usme bahut, usme, we can say usme koi regulation nahi hota. Usme is this specific thing has been mentioned. So it's a prerogative of state government then to have things intact in that. State government or national government cannot have any regulations. We cannot do any mining, any construction activities of biosphere reserve. It's just kind of some prerogative state government. It's a pressure on state government now to maintain biosphere reserve since it is mentioned in Man and Biosphere Reserve program. It's an international thing. There is no act, nothing that is mentioned in Indian laws that is dedicated to biosphere reserve. We'll discuss all these things in detail. The biosphere reserve, kitne national parks, kitne. अब उसमें कोई करंट अफेयर स्पेसिफिक कोई गाइड वो नया अप्रूवमेंट मतलब कोई नया एडवांसमेंट हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई एक्टिविटी हुई नेशनल पार्क में कोई एक्सीडेंट हुआ तो वील सी टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन कवर दैट थिंग इन क्लासेस. ओके रेफर इट ऑन हाँ. सो दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर बायोस्फीयर रिजर्व एंड व्हाट मोर. Well, there are plenty of other policies that we can know. Water management. Any policy related to water management? That is related to water supply to households. I am saying larger water management. Rooftop solar. Watershed management. That is a bigger thing. That is not rooftop water. Watershed is anything that has been collected in a single contour. Watershed to har jagah hota hai. Watershed matlab
जैसे ये इंडिया है तो यहाँ से अगर गंगा निकल गया तो ये उसका पूरा वाटरशेड है, इसमें कोई भी अगर पानी इसमें आया, बारिश हुई, बाढ़, तो दैट विल कंसंट्रेट इन गंगा रिवर सिस्टम, तो दिस कंप्लीट थिंग इज वाटरशेड ऑफ गंगा. सो वाटरशेड मैनेजमेंट इज कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द वाटरशेड ऑफ गंगा. To manage how much river, how much water is inflowing into Ganga through watershed, how much river is being lost in, through the Ganga. That is a different thing. I'm talking about watershed management. This is done in national level. This is a very big thing. So this is the thing that is done specifically for ecological conservation. जैसे इसमें अगर आपने term सुना होगा, let's say we have Ganga, we have Ken Betwa. We know there is an interlinking project of Ken and Betwa. Which national park come under this KMUS or interlinking project? There is some protected area that is under the threat of submersion due to this interlinking. Kaziranga? That's also a homework you all have to find out now. There is a national park or protected area that is under threat of submergence due to this KMUS or interlinking. So let's say if we have honestly, this is my first class only. So I'll tell you in 2-3 days how much time I'll take to complete this whole ecology. And one more question, what will be your approach, like will you give us head-offs for the place? We'll discuss it tomorrow.